क्योंकि ये बिल्कुल डल हो गए थे, लेकिन इनको कुछ 10-15 दिन बाहर रखा पानी में, बारिश बारिश धूप वो मिली तो ये बिल्कुल ग्रो हो गए माशाल्लाह। देखें दोबारा से ग्रो हो गए। फिर फूलों का यही है, इनको अगर प्रॉपर केयर नहीं करो ना, और इनको फिर पानी तो दे रहे थे लेकिन सनलाइट और ये सब चाहिए था इनको, इनकी जगह नहीं चाहिए थी, इनको तब्दीली चाहिए थी, इनकी तब्दीली हो गई, अब ये सही हो गए। और ये भी माशाल्लाह देखें सही हो गए दोबारा से, जो भूख में रखा हुआ था। अब देखें ये भी यहाँ पे फूलों की भरमार हुई है हमारे घर में आजकल माशाल्लाह, इस सीज़न हमने इसी तरह गुजारा। ये देखें ज़बरदस्त फ्लावर्स, ये अभी तक किसी की याद दिला रही है, ये मेरी फ्रेंड आई थी उन्होंने मुझे दिया था, रायमे सर थैंक यू, अगर देख रही हो तो अभी भी यादें हैं आपकी। और देखें ये क्या गंद मची है, पता नहीं ये गंद कैसे मच गई, कुछ पता नहीं है, अभी इसको साफ़ करना है। और आज मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ठंड हो गई है, हुडी वुडी पहनी हुई है सबने, और मीन्स के वेदर इज़ चेंजिंग नाउ, अब हवा चल रही है, हवा देखती थी तेज़ चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ, यही चलता है यहाँ पर, कितनी तेज़ हवा है, अंदाजा लगाए तो बस ये सुबह का वक्त है। और गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, ये देखें ये हाल है, चले जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये मैं फिर ऊपर आ गई, ऊपर आने के बाद मैंने इनको भी पानी दिया, ये देखें कितनी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, पता नहीं अभी तो एक डेढ़ घंटा मुझे लगता है चलेगी, फिर गर्मी धूप तेज़ हो जाएगी, लेकिन हवा तो फिर भी अच्छी है। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह ये पौधे प्लांट्स लेटस और ये जो भी है प्लांट भी इतनी अच्छी तरह पानी देने के बाद और भी फ्रेश हो गया, और अच्छी तरह विंड में इसको हिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं ये प्लांट्स भी, पास में प्लांट्स भी बड़े खुश होते हैं। और ये सनफ्लावर तो कितनी हवा चल रही है उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनफ्लावर भी कैसे झूम रहा है, और छोटा सा मुन्ना सा सनफ्लावर नज़र आया, देखें छोटा सा निकल आया, तो बस यही सब चीज़ें हैं। चलें जी अंदर चलते हैं फिर, अब क्या करें, और अब देखते हैं प्लांट्स बड़े हो गए हैं, थोड़े दिन में जब थोड़ी और हवा चलेगी तो ये ख़त्म होने लगेंगे, फिर बस फिर ठंड की तरफ जाएगा मौसम सितंबर में, मिड सितंबर के बाद से तो ये थोड़े से मुरझाने लगेंगे, कम होते जाएंगे। बस इनका इतना ही 4-5 महीने की एक्टिविटी होती है हमारी समर्स में, जो हम स्टार्ट करते हैं मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर में, 4.5-5 महीने की, उसके बाद तो प्लांट्स ख़त्म हो जाते, फिर अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो फिर प्लांट्स के पीछे पड़ेंगे, फिर घास घास सब सही करते हैं, यही चलता है बस।